भाई साहब पता नहीं यार क्या आज नेट में प्रॉब्लम आ रखी है। पूरा नेट ही इतना ख़राब चल रहा था कसम से, और अपलोड होने में एक्चुअल में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मोर देन 1.5 आवर और 2 घंटे, मतलब ज़्यादा लग गया इस बार टाइम। और बहुत ही मुझे लगा पता नहीं क्या वाईफाई में क्या दिक्कत आ गई, मुझे खुद भी नहीं पता चल रहा है क्या प्रॉब्लम है वगैरह। और वैसे कोई बात नहीं, दिक्कत तो है नहीं। तो एनी वेज व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एवरी वन। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। तो आज यार ऑब्वियसली मैंने कल लास्ट व्लॉग में मैंने बोला था, अगर नहीं देखा तो ज़रूर जाके चेकआउट करो। मैंने अपने नए फ़ोन के बारे में रिव्यू दिया है और अनबॉक्सिंग वाली वीडियो भी मैंने डाल रखी है, तो वो भी जाके देख सकते हो आप लोग। अब जैसे मतलब मैंने कल बात की तो थी कि शायद कवर लेना है मेरे को। हाँ कवर लेना है मेरे को यार, बट देखना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंट ही लूँगा क्योंकि यार जो इसका बैक है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और क्लाउड नेवी कलर में, ब्लू ब्लूइश कलर है, बट बहुत अच्छा कलर है। तो मैं वही सोच रहा था यार कि अब मतलब ले ही लेते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहिए। कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्रोमाइज़ करा पता चला फ़ोन के भी लेने देने पड़ गए तो वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, और आई एम श्योर आप लोग भी नहीं चाहते होंगे जो भी ये वीडियो देख रहा है। और चलते हैं आज। आज क्या मतलब शाम को ही जाऊंगा क्योंकि अभी जस्ट खाना खाया, बाकी सारे प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। एंड टिल देन एंजॉय दिस व्लॉग एंड ओके लेट्स कंटिन्यू दिस व्लॉग। ऑब्वियसली मैं अभी कुछ काम करने ही जा रहा था, बट अभी जस्ट मैंने व्लॉग अपलोड किया था, बट देन आई रिसीव्ड समवंस कमेंट कि आई एम रियली ग्लैड यार, आई एम टुडे आई एम रियली फीलिंग सो हैप्पी। अब जिसने भी मतलब कमेंट किया, आई थिंक हिज नेम इज़ अरिजीत साहू, सो तो आई डोंट नो हु इज़ वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स आई थिंक। सो उन्होंने ये लिखा है कि आई रियली हेल्प्ड हिम कि ही बेटर टेक दिस सैमसंग S20 रैदर देन बाइंग नॉर्ड और 9R। तो आई एम फीलिंग रियली हैप्पी, एंड बाय द वे थैंक यू अरिजीत फॉर मेकिंग मी सो मच हैप्पी राइट नाउ। एंड आई डोंट थिंक दैट यू डोंट नो हाउ मच इट रियली मीन्स सो मच टू मी। सो थैंक यू फॉर मेकिंग दिस डे सो मच मोर हैप्पियर है। अभी समय में भी नहीं आ रहा क्या क्या बोलूँ, बट या यू रियली मेड माई डे, थैंक यू। जा रहे हैं अभी जिम जा रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। बट यार एक चीज़ देखने में मज़ा आया, अभी जैसे मैंने फ्लावर का एक मैंने जूम शॉट लिया था, वो आपने देखा होगा, एक तो बड़ा स्मूथली चल रहा है और दूसरा यार मतलब उसकी जो क्लैरिटी है, मतलब इसके पिक्सल्स हैं वो फटे ही नहीं है एकदम। मतलब आपको लग रहा होगा भैया 2-3 व्लॉग से तारीफ करा जा रहा है, बट क्या कर सकते, जो फ़ोन जो लिया है बहुत मतलब अच्छे लॉन्गर पीरियड के लिए लिया है तो भैया तारीफ तो बनती है ऑब्वियसली। और दूसरा अगर आपको यकीन नहीं होता तो बाकी यूट्यूब सर्च में आप डाल लो कैमरे का, आपको पता ही लग जाएगा। तो मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तो किसी रीज़न से ही कह रहा हूँ, बहुत अच्छी फोटोज़ आई हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, इट्स अनबिलीवेबल। तो चलते हैं भैया जिम चलते हैं, फिर बात करते हैं। अरे नहीं, पहले तो औजार लगाया जाए, इतना बड़ा औजार जो है। भाई साहब नींद इतनी आ रही है, क्या करूँ मैं, बिल्कुल ही थका हुआ सा फील कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। और आज वैसे कहा जाए तो आज कुछ ज़्यादा किया नहीं क्योंकि ऑब्वियसली मेरा थोड़ा बहुत कॉलेज का भी काम था तो वो मुझे करना था, एंड प्लस अभी पेपर्स भी चल रहे थे, दोनों चीज़ें एक साथ ही हो रही हैं। कॉलेज का ही है तो समझ ही सकते हो, पेपर की तैयारी, दिमाग ख़राब, सब कुछ हो रहा है। तो अभी जस्ट खाना खा के अब फ्री हुआ हूँ, तो
ऐसा करता हूँ अब मैं सोने जाता हूँ बिल्कुल भी। आज आज मन में नहीं कर रहा था एग्जैक्टली आज व्लॉग करने का भी, बट क्या करें मतलब ऑब्वियसली एक हॉबी है तो मन कभी कभार कर ही जाता है कि नहीं यार, मतलब जो चीज़ प्यार से मैंने करी है तो उस चीज़ को मैं छोड़ूंगा नहीं, करता रहूँगा। तो चलो अभी तो मैं फ़िलहाल अभी तो नहीं कर पाऊँगा, अभी मैं सोने जा रहा हूँ, आपसे मिलता हूँ सुबह। और भैया वापस आ गए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी आप गाड़ी में देख रहे हो फिलहाल, बट एक्चुअली में है क्या कि भैया आपके घर में ऐसा कोई है कि मतलब कोई चीज़ ना मिले तो वो पूरे घर को हिला जाता है? ऐसे ही मेरे पापा भी हैं और मम्मी भी हैं दोनों कोई चीज़ मिलती नहीं है तो पूरा हाहाकार मचा देते हैं पूरे वक्त। तो पापा का जस्ट अभी ये था कि उनको ये फ़ोन थी क्योंकि उनकी एक मीटिंग होनी है, तो उसके वजह से मुझे जाना पड़ेगा ऑफिस, और अगर ऑफिस को फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो करो, और वहाँ से मेरे को लाना पड़ेगा ईयरफोन। तो इतना दिमाग ख़राब हो रखा है एक ईयरफोन के नाम पे, बट क्या करें ज़रूरी भी है, मीटिंग है तो इम्पोर्टेंट है। चलते हैं भैया ऑफिस जाते हैं, पहले देखते हैं ईयरफोन कहाँ है। अभी बस जाते हैं पेपर देने जाते हैं, और जब तक पेपर दे रहा हूँगा आप टाइम लैप्स देखो और ज़रूर प्रे करो कि भैया पेपर अच्छा जाए। हाँ A few moments later. भाई तो वो पेपर तो अच्छा गया, बहुत ज़्यादा थकान हो गई बहुत ज़्यादा ठीक था, मतलब मॉडरेट था, मैं ये नहीं कहूँगा कि टफ था या इजी था, बट था मॉडरेट था, और स्पेशली इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा थे तो उसमें ऑफ कोर्स मेरा दिमाग थोड़ा ख़राब हो गया, बट कोई नहीं, फिर भी मैंने जितना एफर्ट लगाया आई थिंक पेपर मेरा अच्छा गया बहुत, तो आई होप कि अच्छे मार्क्स मिले। तो अभी जाना है, पहले फ़ोन का केस लेना है, और मेरे फ़ोन के सिम में प्रॉब्लम है जो मेरा प्राइमरी सिम है, और वाई जिनको पता है वोडाफोन और आइडिया वाई, तो मुझे इसका सिम बदलवाना पड़ेगा क्योंकि बहुत चीज़ें जो नहीं डिटेक्ट कर पा रहा है मेरा सिम। तो चलते हैं आज क्या दिक्कत होगी, पता तो चल ही जाएगा, तो चलते हैं। एक्चुअली में एक दिक्कत आ पड़ी थी तो इसलिए वाइफ सेंटर पे ही था। एक्चुअली मैं गूगल पे का मेरे को करना था स्टार्ट, मतलब वो फ़ोन चेंज किया ना तब से गूगल पे का बंद हुआ हुआ था, तो समझ नहीं आ रहा था कि इसको एक्टिवेट कैसे कराएं दोबारा, तो उसके वजह से मेरे को यहाँ पे आना पड़ा और तब कराया। तो चलो बाद में दिक्कत बताता हूँ, ऐसे है क्या आराम से बताता हूँ। आज बहुत ज़्यादा काम हुआ, बहुत ज़्यादा थकान भी हुई, पेपर भी हुआ, आज क्या क्या नहीं हुआ और मतलब इतना मतलब एक बिल्कुल ही हेक्टिक टाइप सा भी बन गया था, स्ट्रेसफुल डे भी बन गया, और एक्चुअली में मेरे लोअर बैक में फिर से पेन शुरू हो गया, बट कोई नहीं दिक्कत नहीं है, अभी सो जाऊंगा तो फिर ठीक हो ही जाएगा। बट वैसे मैं वैसे बता रहा था कि मैं वोडाफोन सेंटर क्यों गया था, वो सॉरी वी, तो इसलिए कहता है एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या थी, वो बहुत मतलब कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं थी एक्चुअली में, मुझे अपने मैंने जब फ़ोन चेंज किया तो गूगल पे का मुझे वो सिम वेरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, तो मैंने वहीं से मैंने क्लियर आउट कर लिया, वो हो गया बहुत आसानी से हो गया, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम थी नहीं, तो उन्होंने क्लियर कर दिया, थैंक्स टू डैम। और अब तो कोई दिक्कत है नहीं, बाकी जो भी मेरे मतलब जो भी जी पे पेटीएम वगैरह जो भी UPI से होते थे वो सारा अब मेरा एक्टिवेट हो गया वापस से, कोई दिक्कत थी नहीं। और
बहुत मायने सही प्रॉब्लम था, कुछ ज़्यादा था मतलब कुछ ज़्यादा ही दिमाग ख़राब नहीं करना था, बट हालांकि हुआ है, हालांकि हुआ 2-3 दिन से हो रहा था, बट कोई नहीं, अब क्लियर आउट हो ही गया। मुझे लग नहीं रहा था कि मतलब ये 5 मिनट का सोल्यूशन था, वो हो जाएगा, तो अब तो ठीक है। और कवर मैंने मतलब एक वैसे ही नॉर्मल सा लिया है, जस्ट बिकॉज कि मतलब बाहर ले जाऊँ तो मतलब एक वो रहता है ना कि आप बाहर ले जाते हो, कुछ पता नहीं होता कि कैसे गिरेगा आपका फ़ोन। मतलब फ़ोन की तो गारंटी रहेगी, वो तो कंपनी से रहती है, बट अपने सेटिस्फैक्शन के लिए यार, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए तो मतलब जितना आप उसको प्रोटेक्ट कर पाओ उतना ही मतलब काफ़ी नहीं होता है, तो उसको और अच्छे से रखना पड़ता है। कुछ लोग तो कवर ऐसा भारी भरकम सा कवर लगा लेते हैं जो मतलब फ़ोन छोड़ो कवर टूट जाता है, ऐसी हालत होती है। और जो स्क्रीन रहता है, स्क्रीन में भी मतलब टेम्पर्ड बिल्कुल ही थिक लेयर वाला लगा लेते हैं, उससे कुछ होता नहीं है, बट एक्चुअल में मैं कवर लगाता नहीं हूँ, अब मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यार कवर ही इतना अच्छा है दिखने में, सैमसंग ने इतना मेहनत किया है इस फ़ोन को अच्छा बनाने में, तो यार क्यों मैं फालतू में कवर लगाऊँ। बट मैं बाहर लगाऊंगा, सिर्फ उसी चीज़ के लिए लिया है। तो वैसे तो आज दिन बहुत अच्छा गया, बहुत ही मतलब डिसेंट रहा, बट ऑन दी अदर हैंड इट वॉज रियली हेक्टिक एंड रियली इट वॉज स्ट्रेसफुल सो मच। एग्ज़ाम भी गया, हालांकि अच्छा गया, बट फिर भी यार स्ट्रेसफुल एक अलग चीज़ है, एग्ज़ाम के टाइम पे तो हमेशा होता ही है। तो बस यार आज यही कहानी हुई थी, बहुत इतना ज़्यादा यार मतलब लोअर बैक में पता नहीं क्यों अचानक से पेन हो जाता है, बट कोई नहीं, ठीक हो जाएगा अभी सोते ही, मतलब बिल्कुल ही स्ट्रेट लेटूंगा तो कुछ होगा नहीं ज़्यादा, दर्द वर्द सब खत्म हो जाएगा सुबह तक, बिल्कुल नॉर्मल। तो आज चलो आज व्लॉग को इतना ही रखते हैं, आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसको लो क्या करना है, लाइक और शेयर करना सबके साथ, और सब्सक्राइब का बटन दबा देना इधर, और लाल रंग का बटन होगा ज़रूर दबा देना, सब्सक्राइब लिखा होगा, और जब आप दबा दोगे तो सब्सक्राइब्ड हो जाएगा उसका बटन जो है, लाल से ग्रे में हो जाएगा, तो ज़रूर कर देना। और नोटिफिकेशन बेल भी साथ ही में है, उसको भी दबा देना, ताकि आप मेरी वीडियो टाइम पे देख पाओ, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके दिमाग में सस्पेंस बना रहे। और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी वीडियोज़ आती हैं, मगर आपकी क्या राय है मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में। तो ज़रूर आप अपने वेल विशेज, सजेशंस, या जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड अंटिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइट, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट टाइम।